हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी सुबह हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और आज सृष्टि स्कूल नहीं गई है। सृष्टि को बुखार है, कल से इसको बुखार था पर आज इसको ज़्यादा बुखार हो गया। और ये बोली मेरे पैर कांप रहे हैं। मैंने क्या किया है? मैंने नहीं किया। और ये स्कूल के लिए तैयार हो रही थी पर इसको ज़्यादा बुखार हो रहा है और अभी डॉक्टर के पास जा रही है। उठ जा, वो बाइक निकाल रहा है। ऐसे भग के नहीं जाना होता। हाँ टोपी पहन ले, धूप हो रही है। नहीं नहीं धूप हो रही है। बस और नाच। लड़का लग रही है पूरी। और कल यहाँ पोल पे आग लगी थी, सारी तारे वारे निकाल रहे हैं, सब बिखरा रखा है, पता नहीं क्या है। बिब्बू लेके जा रहा है ऐसे डॉक्टर पे। पूरी तार फैला रही है और हमारे घर के सामने ही पता नहीं क्या ही कर दिया। बाय। तो अभी 2 बज चुके हैं दिन के और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह से। उससे पहले मैं बहुत सफाई कर रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल कल की उड़ी हुई थी, तो पूरा घर में धुलाई वगैरह करी है और डस्टिंग की क्योंकि बहुत सारा डस्ट था। और थोड़ा सा ऑफिस का काम भी किया है, अभी भी करना है। और सृष्टि डॉक्टर के पास आ गई है तो अभी मैं उसके पास जाती हूँ। और मीनवाइल लंच रेडी हो चुका है तो लंच करते हैं। पिरू सुन, वो आटा नूडल्स निकाल दे, मैं आ रही हूँ ऊपर से। अरे तू खाना नहीं खाएगी? खाएगी ही नहीं, ये तो पता नहीं कब करेगी लंच। मैं पहले सिस्टर के पास से आ जाती हूँ और फिर मैं लंच कर लेती हूँ। लाइट क्यों बुझा दो मेरे आते ही? हैं क्या हुआ? क्यों? अच्छा मैं वो पूछने आई थी, वो खाएगी आटा नूडल्स? पागल है क्या? नहीं खाएगी क्या? पागल है, नहीं खाएगी। तो सृष्टि भी नहीं आ रही है, बोल रही है मेरे को सोने दे, मैं नहीं खा रही है। वैसे भी इसने खिचड़ी खा ली है तो मैं जाती हूँ और लंच करती हूँ। ले ले आई, ले आई। ये नहीं कि आ ले, मैं बोर हो रही थी, अब फोन चला रही है। कर लिया मैंने। और किसी को नहीं लेकर आई? नहीं भाई। अरे तू सी थी, तू सी उस दिन जैसी नहीं है ना। पर आटा नूडल है, इट्स नॉट मैगी। मैगी तो कैसा गपड़ा गपड़ा खा रही है यार। ऐसे रोटी खाती है? तो अभी 6 बज चुके हैं और मैं भी ऑफिस का काम करके ऊपर आ चुकी हूँ। और आज मैं थोड़ा बहुत दिनों के बाद थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। और होपफुली अब मैं जिम भी शुरू करूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट महीना हो चुका है मैं जिम नहीं जा रही हूँ क्योंकि सही फील नहीं हो रहा था और लेजी लेजी सा हो रहा था। पर मैंने सोचा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो करनी है तो स्टार्ट करेंगे, या तो जिम या तो योगा, कुछ भी करेंगे तो आपको अपडेट दे देंगे। और अभी ना मेरे से व्लॉग मैं अपलोड कर रही थी तो मेरे से व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा यही होता है कि सृष्टि से टाइटल थंबनेल मुझे पूछना पड़ता है। तो अभी मैं उसके पास जाती हूँ। एक बात पूछनी है तुझे, पता ही है, बताना। चलो मैं, मेरा काम हो गया, चलो। तो ये तो बहुत पुराना हो गया, अब इसके अंदर छिपकली होगी पक्का। तो अभी मुझे और चाचा को इन्वर्टर लेने जाना है। ये वाला जो इन्वर्टर है इसकी फिटिंग इस वाले फ्लोर में है और पहले यही वाला इन्वर्टर हमारे नीचे के 2 फ्लोर में भी चलता था। मतलब पहले ये वाला फ्लोर नहीं था, नीचे के 2 फ्लोर में चलता था। तो फिर जब ये ऊपर आया तो इसकी कनेक्शन यहाँ से हो गया और कई साल ही बंद भी रहा क्योंकि लाइटिंग जाती थी तो हमने ऐसे ही रख दिया, पर ये बहुत सही चलता है। तो अब हमें एक और इन्वर्टर की जरूरत है क्योंकि लाइट का ऐसे ही होता रहता है, तो वो नीचे और उससे नीचे में कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी चलेंगे ना चाचा, इसलिए मैंने काम आज जल्दी फिनिश कर दिया। मम्मी ये तार यहाँ से हटाएंगे नहीं क्या? मम्मी ये तार वो दे दो, हाइड एंड सीक दे दो। पीरू हाइड एंड सीक खाएगी? तूने क्या हो गया तेरा काम पूरा? अबे कान में ठूसती रहती है, कोई जवाब कुछ पता तो चलता है नहीं कोई क्या बोल रहा है। ये पैकेट मैं इतने दिन से घुमा रही हूँ कि मुझे पता है तुम सारे खा जाओगे, अब मुझे नहीं दोगे। क्या मंत्र पड़ रही है उसमें? ओए पूरा पैकेट क्यों फाड़ रही है? इसे क्या छांट रही है? सब्जी है क्या वो? सब्जी की तरह छांट रही है बिस्किट। ये ना यार 10 घंटे लगा दिए हानि तो। देखियो क्या बना दिया पैकेट का। आ गया मेरा शोना।
क्या दू? गुर्दे दवाई खानी है। अभी तूने क्या बोला? मेरे को पसंद नहीं है। पेट भरने का दवाई खाने का तो कुछ खाना पड़ता ही है ना। अंदर वो आटे वाले भी रखे हैं, वो खा ले, वो कैश्यू वाले। क्या हुआ? बदबू आ रही है यार ये दवाई। तो दवाई में से खुशबू आएगी क्या? हाँ सुन क्यों रही है, सीधा मुंह में डाल के खा। कैसी शक्ल बना रही है? ऐसा कर दवाई खा ले, मैं तेरे को मस्त चीज खिला के लाऊंगी। उसके बाद सीटी दवाइयां खाना सीख गई। जोर के मारा था ना वो थप्पड़। तो अभी सृष्टि लगा रही है व्लॉग टीवी में बहुत दिनों के बाद। ये देखो कब देती चाय। एक घंटा हो गया तू वहाँ बैठ के, तूने पूरा ब्लॉग भी देख लिया टीवी में। मैं काम कर रही थी ना। डेढ़ घंटा हो गया, डेढ़ घंटा। पीरू अपनी पूरी जो कोल्ड ड्रिंक बनी हुई चाय को दोबारा गर्म करके पी लिया। हम जा रहे हैं छत में। ठीक क्या हो गया? मम्मी पूरा नेट उखड़ गया, ये तो हमसे लगेगा भी नहीं। ये देखो इतने टैक्स होगा भी नहीं, बहुत सारा टाइम लगेगा। टाइम क्या, ये जाएगा कैसे उधर? तो हम सोच के तो ये आए थे कि ये जो ग्रीन नेट उखड़ा है इसको, मम्मी बोल रही थी कि कल जो आंधी आई है तो ग्रीन नेट उखड़ गया, तो हम सोच के ये आए थे कि इसको लगा देंगे। मुझे नहीं पता था ये बिल्कुल ही निकल चुका है, और अब तो पता नहीं कैसे लगेगा, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी कर लो ये उड़ ही जाता है। पहले हमने एक प्लास्टिक वाली शीट लगाई थी, वो भी एक बार की आंधी से उड़ गई। उसके पहले एक चादर वाली थी जो सीमेंटेड होती है, वो भी उड़ गई थी। अब देखो इसको क्या होता है। यहाँ पे कितना खुला खुला लग रहा है, मस्त मस्त हमारी खुली खुली। नहीं कुछ पटपट कर रहा है इसके नीचे, ये देखो सांप है। अच्छा सांप है, सांप। कुछ भी निकालो ना, क्या है इसके नीचे पटपट कर रहा है ये पूरा? ये मिट्टी है, यही तो बोल रही थी मैं। क्या है ये सारे टैग यही दिख रहे? देख इस टैग तो यही पे चिपके रह गए, पूरा नेट फट के चला गया ऊपर। चाचा जा रहे हैं ऊपर वाली छत में और ये लगाएंगे। ये लो, पर चढ़ू कहाँ से, कहाँ से पकड़ाऊ? ये लो, यहाँ बहुत डर लग रहा है, छिपकली पक्का होगी इधर। तो यहाँ पे चाचा अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, और टेम्परेरी हमारा शेड तो यहाँ पे लग चुका है ये ग्रीन नेट। अभी फिलहाल के लिए इस ग्रीन नेट को ऐसे ही रहने देंगे कुछ टाइम तक, जब तक ये आंधी वांधी वाला मौसम है, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो यहाँ पे तो ये नेट टेम्परेरी सेट हो गया है, और अभी मैं और चाचा जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे छेद हो गए इस पे बड़े बड़े, हैं परमानेंट है। अब यहाँ इसमें क्या, मैं अलग से काम होगा कोई? वो तो टन तो गया बस। तो अभी 7:30 हो गए, और अभी हम जा रहे हैं चाचा मैं और चाची इन्वर्टर लेने, क्योंकि इन सब का सबमिशन है, अपना काम कर रहे हैं ये। और आज मैं चाची जा रही है, जब जबरदस्ती ले जा रही हूँ मैं आपको। अच्छा खून चूस गया जब से। तो अभी हम मार्केट तो पहुंच गए हैं, और यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि हमें इन्वर्टर कहाँ से लेना है, क्योंकि हमें शॉप का आइडिया नहीं है यहाँ पर। और चाची तो मुझे बोल रही है, क्या बोल रहे थे अभी? मोमोज, मोमोज। तो इन्वर्टर तो हमने ले लिया है, और शाम को कल सुबह को डिलीवर होगा। तो अभी हम चलते हैं। तो क्या चाट प्लेटर खाओगे बताओ? तो चाचा तो पूरा वर्ष सृष्टि के लिए खाना पैक करा रहे हैं, और हम तो खाएंगे चाट प्लेटर, एक चाइनीज प्लेटर और एक हाफ एक राजभोग दे देता हूँ। तो अभी हमने खाना तो ऑर्डर कर दिया है, और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनके लिए पैक करा दिया, वो भी होगा ना पैक। और यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है पीछे छोटी बच्ची का, सबसे पहले वो राजभोग ही ले आया। तो हमारे चाट प्लेटर भी आ गया है, आप गोलगप्पे ही खा लो। दो ही खा लो, मजा आएगा। जब तक भैया का हाथ ना डूबा पानी में, मजा कोई आता है? कैसा था ये प्लेटर खा के, तेरा रिएक्शन कैसा था? मजा नहीं आया, रेडी में जो मजा आता वही तो असली मजा, तो वही आता इसको था ना, बहुत अच्छा प्लेटर है। मोमोज भी आ गए, चाची को मोमोज ही खाने थे। तो खाना तो खा लिया हमने, क्या हुआ? लग रही है आप ही कर रहे थे मोमोज 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 मीठा वो पिलाया तो। चलो सीधा घर चलते हैं। खाना खा रहा हूँ, हमने चाइनीज और इंडियन दो तरीके का खाया था ना, इसलिए मिक्स हो गया। हेलो जी भाई, तो अब हम घर तो आ चुके हैं, और सृष्टि का ऊपर है। हेलो जी भाई, हाय
हाय हाय सिस्टर, तो कैसी लग रही है आज? मेरी कहाँ से आ रही तो बीमार है? ट्रेलर है, ट्रेलर। मुंह पे क्या लगा रखा? पानी है। पानी तो नहीं है, क्या लगा? बेटा तू तो बस सुंदरता निखार ले और कुछ मत कर। नहीं, मैं कह रहा था कि कल सुबह सुबह चलेंगे जिम। कौन से जिम? मेरे? तू जाएगा क्यों? अब कॉलेज के जिम का क्या हो गया? कॉलेज अभी बंद पड़े है ना, सुबह सुबह ही जाएंगे ना। और तू उठा नहीं था, तू उठता उठता है नहीं। मैं उठ जाता हूं। अबे जा रहन दे, चल मैं भी नहीं गई वैसे जिम काफी टाइम से। पक्का चलेंगे? कितने बजे? सुबह 6 बजे। तो ये कह रहा है कि ये भी जिम जाएगा अब से मेरे, तो अब हम दोनों साथ में जिम जाएंगे। ऐसा प्लान तो है कि सुबह 6 बजे जाएंगे, तो लेट्स सी। जिम जाएगी कल सुबह? अरे चल ले, मोटी कर देंगे। रास्ते में के बाद आना। तो अभी डिनर वगैरह तो हम तो बाहर से करके आए थे, इन्होंने कर ही लिया है। कल का डिसाइड हो गया कि हम जाएंगे जिम होपफुली, तो वो कल ही देखेंगे। और ये भी शायद 9 तारीख के बाद से हमें ज्वाइन कर लेगी। फिलहाल के लिए तो हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ब्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। सिस्टर 2 मिनट रुको ना, आ रही है सकल।